हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, मैं अपने घर में नहीं हूँ एंड दिस इज़ दी वेरी रीज़न यहाँ पे प्रीव्यूज़ और रिव्यूज़ मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि तुम जान रहे हो यार, प्रीव्यूज़ एंड रिव्यूज़ बनाने के लिए मैच देखना पड़ता है और मैं मैच नहीं देख पा रहा हूँ। एंड आई डोंट वांट टू फूल यू गाइस, हाइलाइट्स देख करके रिव्यू बनाने में से मैं नहीं हूँ। मैच देखूंगा तो बनाऊंगा एंड मैं मैच नहीं देख पा रहा हूँ, बट स्टिल अगर कुछ चीज़ निकल के आएगी, आई एम हियर फॉर यू गाइस। भाई साहब, यहाँ पे बार्सिलोना ने मेम्फिस डीपाय को साइन कर लिया है ऑफिशियली, सो आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट दैट, क्योंकि अगर कुछ ऐसी खबर आएगी तो मैं तो ऑफकोर्स वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर। एनीवेज, नाउ आज की वीडियो में हम लोग मेम्फिस डीपाय के बारे में हर एक बारे में बात करने वाले हैं, हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस डील के। सबसे पहले अपन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, सेकेंडली हम कैसे मेम्फिस डीपाय जो है वो इस सीजन में खेलते हुए आया, एंड थर्डली हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मेम्फिस डीपाय एफसी बार्सिलोना के सिस्टम में जो है वो फिट बैठ सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। वन फुटबॉल इज द बेस्ट फुटबॉल ऐप फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। वन फुटबॉल में तुमको दुनिया जहां की फुटबॉलिंग न्यूज डायरेक्टली तुम्हारे फोन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी यूरोस चल रहे हैं तो हर एक मैच का लाइव स्कोर, स्टैट्स, टीम शीट्स, हर एक चीज जो है वो वन फुटबॉल ऐप में अवेलेबल है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब जाए वन फुटबॉल अभी के अभी डाउनलोड करें, एंड भाई साहब फ्री ऐप है, समझ रहे हो। तो तुम फुटबॉल फैन हो, फ्री ऐप है, ये ऐसी जोड़ी तुम यार एक दूसरे के लिए बने हो तुम लोग। लिंक जाओ, क्लिक करो, डायरेक्ट जो है वो इंस्टॉल करो वन फुटबॉल को। एनीवेज भाई साहब, मेम्फिस डीपाय जो है वो ऑफिशियली साइन हो चुके हैं एफसी बार्सिलोना के लिए। ऑल दो हमको पता था ये होने वाला है, बट अब ऑफिशियली हो गया है तो ऑफकोर्स उसके बारे में बात करना बनता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि तुमको पता है क्या, कोई भी जब डील होती है ना किसी प्लेयर और क्लब के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में दो चार चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कि कितने समय का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कितने समय तक क्लब बाउंड है उस प्लेयर को पे करने के लिए। अब ये चीज़ सेंस इसलिए बनाएगी क्योंकि मान लो तुम किसी 33 ईयर ओल्ड को ला रहे हो अपने क्लब में और उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे, तो वो 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक तुम्हारे क्लब में रह करके पैसा मांग सकता है तुमसे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ सेंस नहीं बना रही कहीं से भी ना। एंड ऑफकोर्स ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले, बार्टोमेओ के समय में हमने फिनिश्ड प्लेयर्स को लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हम ऐसे प्लेयर्स को लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं जो डिज़र्व नहीं करते थे, जिनकी क्वालिटी नहीं डिज़र्व करती उतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट देना, एंड उसका खामियाजा बार्सिलोना में भुगता है। बट लापोर्ता के टर्म पे भाई साहब ये सब नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्राइम एंटर करे हुए मेम्फिस डीपाय को, एंड आई विल रिपीट वंस अगेन, प्राइम में एंटर कर रहे हुए मेम्फिस डीपाय को जो केवल 27 साल का है। 27 साल होता है किसी भी फुटबॉलिंग प्लेयर को अपना बेस्ट फिजिक हिट करने में, अपना बेस्ट फॉर्म हिट करने में, एंड स्टैट्स वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है मेम्फिस डीपाय की। प्राइम वाले प्लेयर को केवल 3 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये है, आप परफॉर्म करेंगे तो आप रुकेंगे, नहीं तो दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं। फ्री ट्रांसफ़र है, एक भी रुपए नहीं दिया गया है यहाँ लियोन को, एंड दिस इज़ व्हाट यू नो, ये लापोर्ता का कमाल है गाइस। देखो यार, सीधी सी बात ये है, यू नो व्हाट, हमारे पास पैसे वाले भी ट्रांसफ़र सीजन्स हुए हैं, और मैं उन पैसे वाले ट्रांसफ़र सीजन को अगर मैं कंपेयर करूँ ये बिना पैसे वाला ट्रांसफ़र सीजन, जब हमारे पास मुश्किल से 8 या 10 मिलियन था स्पेंड करने के लिए, मैं इस ट्रांसफ़र सीज़न को चुनूंगा रेदर देन वो पैसे वाला ट्रांसफ़र सीज़न, क्योंकि हमने कुछ भी अनछंड रुपए दिए हैं कुछ भी प्लेयर्स के लिए। एंड यहाँ पे सभी प्लेयर्स, वाग्वेरो हो गया, एरिक गार्सिया हो गया, मेम्फिस डीपाय हो गया, तीनों सेंस बना रहे हैं, एंड तीनों फ्री में आए हैं। चुमेश्वरी वर्क फ्रॉम रोनाल्ड कोमैन, सॉरी जुआन लापोर्ता, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एनीवेज, तो हाँ, जैसे कि मैंने तुमको बताया, यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है यहाँ पे मेम्फिस डीपाय को। साथ ही साथ यहाँ पे जो उसका ऑफिशियल प्रेजेंटेशन होगा वो यूरोस के बाद होने वाला है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो कर दिया गया है, बट प्रेजेंटेशन यूरोस के बाद होगा, यानी कि मेडिकल्स जो हैं वो शायद अभी हो जाएं, बट मेरे ख्याल से मेडिकल्स प्रेजेंटेशन के पहले ही होते हैं, तो यूरोस के बाद जो है वो मेडिकल्स होगा। तो ऑफकोर्स यूरोस के बाद जो है मेम्फिस डीपाय तुमको आते हुए दिखेंगे, एंड नाउ दिस विल आल्सो डिपेंड कि यूरोस में कितने समय तक नीदरलैंड दिखती है। अगर वो लंबे समय तक टिकी तो लेट तुमको देखने को मिलेगा, अगर जल्दी निकल गई तो ऑफकोर्स मेम्फिस डीपाय का जो भी कहानी है वो जल्दी निपटते हुए तुमको दिखेगा। नाउ अगर मैं वेजेस के बारे में बात कर लूँ, ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट में वेजेस के बारे में तो बात करते ही हैं, बट वेजेस अभी तक सामने निकल के नहीं आई हैं इस डील के बारे में। बट जहाँ तक स्पेकुलेशंस हैं वो ये है कि मेम्फिस डीपाय को बहुत कम वेजेस दिए गए हैं। अग्वेरो जैसे, अग्वेरो पूरे सीजन में 5 मिलियन ही केवल कमाएंगे, एज कम्पेयर टू बार्सिलोना के वेज शीट बहुत कम है, ही इज अर्निंग लेस देन सैमुएल उमटीटी, अब तुम समझ सकते हो। एंड यहाँ पे सेम काइंड ऑफ अ फिगर जो है वो मेम्फिस डीपाय को भी दिया जा रहा है, आई गेस 7-8 मिलियन का कुछ फिगर है पर सीजन उसको देने का, एंड बहुत प्यारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जुआन लापोर्ता के द्वारा दिया गया
ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, बहुत कम दिया जा रहा है, एंड ज़्यादा देना बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। तुमने देखा ना, सैमुएल उमटीटी क्लब छोड़ के जाना नहीं चाहता है, क्यों नहीं जाने जाता है? तुमको क्या लगता है बार्सिलोना से प्यार करता है इसलिए? ऑफकोर्स नॉट। जितनी पैसे बार्सिलोना उसको दे रही है उतना और कोई क्लब नहीं दे सकती है यार। एंड फन फैक्ट ऑफ द डे मैं तुमको बता रहा हूँ, सैमुएल उमटीटी की वैल्यूएशन गिर करके 6 से 8 मिलियन आ चुकी है, यानी मार्केट वैल्यू 6 से 8 मिलियन, बट उसकी वेजेस अराउंड 12 to 15 मिलियन है। अब ये चीज़ कितनी रेडिकुलस है भैया, कि वैल्यू तुम्हारी 6 से 7 मिलियन है और तुमको वेजेस 12-15 मिलियन मिल रहे हैं। ये था बार्टोमेओ का एरा। और एक तरफ तुम देख लो, मेम्फिस डीपी की वैल्यूएशन 50-60 मिलियन है और उसको दिया जा रहा है केवल 5 या 6 मिलियन पर सीजन। दिस इज़ ब्रिलियंट फ्रॉम मालापुरता। एनीवेज़, ये सब बातें छोड़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्टैट्स ऑफ मेम्फिस डीपी इस सीज़न में लियोन में, जो बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए आया है। इस सीज़न मेम्फिस डीपी ने लियोन में खेले हैं 40 गेम्स, जिसमें वो 22 गोल और 12 असिस्ट मार के दिया है। फॉर्म ऑफ द सीज़न कह सकते हो, ऑफकोर्स कह सकते हो, क्योंकि बंदा ना रैंकिंग्स में भी नंबर वन आ रहा है। अब लोग कहेंगे कि यार ये तो लीग वन थी, लीग वन में भैया फ्रांस की लीग, फार्मर्स लीग। अरे भाई, फार्मर्स लीग में डीपे के बदले ना एम्बापे भी खेलता है, नेमार भी खेलता है, जिनको वर्ल्ड बेस्ट कहा जाता है। एंड उस लिस्ट में डीपे भैया नंबर वन आए हैं असिस्ट प्रोवाइडर के नाम पर, नंबर सेकेंड आए हैं गोल्स के नाम पर, एवरेज रैंकिंग्स इनकी नंबर सेकंड है किलियन एम्बापे के बाद में। तो तुम समझ सकते हो, बहुत प्यारा प्लेयर है, बिग चांसेस क्रिएटेड में भी फर्स्ट आए हैं, की पासेस में भी जो है वो फर्स्ट। तो मेम्फिस डीपी परफॉर्मेंस के मामले में लीग वन में आग लगा के आए हैं। एनीवेज भाई साहब, यहाँ पे जो है वो हम बात तो कर ली इसके स्टैट्स के बारे में, बट नाउ हाउ विल ही फिट एफसी बार्सिलोना का सिस्टम? क्योंकि तुमको पता है मेम्फिस डीपी, ग्रीज़मैन एंड मेसी तीनों सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर हैं, तीनों की प्लेइंग प्रोफाइल थोड़ी सी सेम है। नंबर 10 वाला रोल, बीच में आना, बॉल इकट्ठा करना, आगे पास करना या बॉल लेकर के दौड़ना। अब तीन प्लेयर जब सेम टाइप के हैं तो इन लोग कैसे फिट करेंगे बार्सिलोना के सिस्टम में? प्लस बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे बार्सिलोना के पास अटैकिंग के लिए इस सीज़न। अग्वेरो रहेगा, डीपे रहेगा, मेसी रहेगा, ग्रीज़मैन रहेगा, फार्टी आ जाएंगे, कटिनियो को नहीं बेचा तो कटिनियो भी सिमिलर प्रोफाइल वाला प्लेयर है, तो कैसे इन लोग भाई साहब एक साथ खेलेंगे बार्सिलोना में? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। एंड भाई साहब, मेरे हिसाब से मेम्फिस डीपे जो है वो 4-3-3 में नज़र आ सकते हैं हमको बार्सिलोना में इस सीज़न। ना देखो, मेम्फिस डीपे ना एक ऐसे प्लेयर हैं जो लेफ्ट विंग में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, ये एक बहुत बेहतरीन बात है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ग्रीज़मैन की, ग्रीज़मैन लाइक्स टू स्टे सेंट्रल, वो लेफ्ट विंग में खेलना पसंद नहीं करता है। मेसी राइट विंग खेलता है, अग्वेरो सेंट्रल खेलते हैं, तो वो लेफ्ट विंग में मेरे ख्याल से मेम्फिस डीपी जो है वो इजीली स्लॉट इन करेंगे। एंड नंबर वन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ग्रीज़मैन, डीपी एंड मेसी सेम चीज़ करना चाहते हैं, और वो है ड्रॉप करना, एक ही जगह घूमना। क्योंकि तुम देखो हीट मैप तो वो चीज़ जो है वो बयां करती है। तो अब यहाँ पे कैसे हो सकता है, कैसे काम किया जा सकता है मेम्फिस डीपी का? मेरे ख्याल से यहाँ पे एक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा बार्सिलोना को। क्योंकि हमने अक्सर देखा यार, 4-3-3 में जब जब बार्सिलोना खेलती है, वी ऑफन प्ले विद अ CDM एंड दो अटैकिंग मिडफील्डर्स या दो सेंट्रल मिडफील्डर्स। अक्सर वो हुआ करते थे बुस्केट, शावी एंड इनिएस्टा, या फिर आज के समय में मैं कह लूँ तो बुस्केट्स, पेदरी एंड डियोंग। बट मेरे ख्याल से अब इस चीज़ को चेंज करने का वक्त आ चुका है। मेरे ख्याल से वी शुड प्ले विद अ कैम राइट नाउ, क्योंकि अगर एक कैम को खिलाया जाएगा तो मेरे ख्याल से ईच एंड एवरी वन विल परफॉर्म रियली ग्रेट। यू कैन नॉट जस्ट राइट ऑफ ग्रीज़मैन, ये डीपे आ गया तो हम ग्रीज़मैन को भूल जाए। ग्रीज़मैन यूरोज में बहुत प्यारा खेल रहा है यार, एंड ग्रीज़मैन इस सीज़न बार्सिलोना के लिए बहुत प्यारा खेला है, तो यू जस्ट कैन नॉट राइट ऑफ ग्रीज़मैन। तो मेरे ख्याल से अग्वेरो ऑफ कोर्स नंबर 9 खेलेंगे, डीपे इज नॉट अ नंबर 9, वो इसलिए उसको खरीदा भी नहीं गया है, उसको मेरे ख्याल से लेफ्ट विंगर के लिए खरीदा गया है। अग्वेरो है नंबर 9, वो वहाँ पे खेलेगा। राइट हैंड साइड हम मेसी को डाल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम डीपे को डालेंगे लेफ्ट विंगर, कैम हम लोग डालेंगे ग्रीज़मैन को, एंड दो मिडफील्डर यहाँ पे जो है ना वहाँ पे क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स एक दो फ्रेंकी डियोंग रहेंगे यार, फ्रेंकी डियोंग लाइक्स टू प्ले एट दिस पोजीशन, जहाँ वो अटैक भी मारे डिफेंड भी करे, बॉक्स टू बॉक्स वाला। एंड वहाँ पे एक यहाँ पे अगर वाइनलडम आ जाता तो मज़ा आ जाता है बुस्केट्स के बदले, है ना, क्योंकि वाइनलडम के साथ तुमको डीपे, डियोंग एंड वाइनलडम का डची कनेक्शन देखने को मिलता। बट ऑफकोर्स वाइनलडम जा चुके हैं PSG, तो यहाँ पे हो सकता है बुस्केट्स हमको देखने को मिले, रिकी पूछ, पैदरी, कोई भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिफेंस में हमको अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स हमको एक तरफ एल्बा, सर्जिनियो डेस्ट एंड जो भी हो डिफेंडर, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, अराउओ एंड पीके ही रहेंगे जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है, एंड ऑफकोर्स गोलकीपर टर स्टेगन। नाउ क्वेश्चन माइट बी हियर कि अंशु फाटी का क्या? अंशु फाटी यहाँ पे चेंज करेंगे अपने रोल को मेम्फिस डीपी के साथ। देखो यार, अपन यंगस्टर्स को ना स्टार्टिंग 11 में प्रॉपर रोल नहीं दे सकते। वी हैव सीन दैट विद पैदरी, पैदरी को दिया गया, वो पूरे सीजन खेला है यार, बट
बहुत बार ऐसा समय आया जब हम लोग खुद कह रहे थे यार पैदरी थका हुआ लग रहा है, ही नीड सम टाइम, उसको रेस्ट दिया जाए, कोई और को खिलाया जाए वहाँ पे। सेम अंशु फाटी के साथ हो सकता है, एक पूरा सीज़न इंजरी में बिताने के बाद मेरे ख्याल से डीपे को वो चेंज करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वो लेफ्ट विंगर में अंशु फाटी या फिर डीपे जो है वो तुमको नज़र आएंगे ऑफकोर्स। एंड नाउ कैसे ये चीज़ काम करेगा, देखो मैं ये बता रहा हूँ, डीपे एंड ग्रीजमैन अक्सर अपने पोजीशन चेंज करेंगे, डीपे बीच में आ जाएगा, ग्रीजमैन बीच में आ जाएगा। ग्रीजमैन कैम बहुत प्यारा खेलता है, अगर तुमने फ्रांस के यूरोस के गेम देखे हैं, अलग ही ग्रीजमैन नज़र आ रहा है, ही इज़ नॉट दी ग्रीजमैन जो हमको बार्सिलोना में नज़र आता था, अलग ही ग्रीजमैन नज़र आ रहा है। तो उस ग्रीजमैन को अगर काम करना है तो उसको कैम खेलना पड़ेगा बार्सिलोना में, एंड राइट हैंड साइड में लियोनेल मेसी रहेंगे, लियोनेल मेसी भी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज, ये तीनों के बीच में पोजीशन चेंज होते रहेंगे। एंड दिस इज़ हाउ एफ सी बार्सिलोना कैन वर्क रियली वेल अगले सीज़न, क्योंकि ये बेस्ट 11 होगा हमारा, डीपे, अग्वेरो, मेसी एंड ग्रीजमैन, इनको हम हटा ही नहीं सकते हैं यार। तो आई गेस दिस इज़ हाउ बार्सिलोना विल प्ले नेक्स्ट सीजन, एंड इफ अग्वेरो समझ में आया 34 के हो गए नहीं खिलाना है, जो भी तुमको लग रहा है 33 या 34 जो भी, तो तुम डीपे को स्टार्ट कर लो, स्ट्राइकर वो वहाँ भी खेलता है, बहुत वर्सेटाइल है, लेफ्ट विंग में अंशु फाटी को स्टार्ट कर लेना या फिर ग्रीजमैन को स्टार्ट कर लेना जैसा तुम करते हुए आए हो, बट आई डोंट थिंक सो ग्रीजमैन को लेफ्ट विंग में स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए यार। 4-3-3 मेरे हिसाब से, डीपे ऑन दी लेफ्ट विंग, बीच में अग्वेरो, राइट हैंड साइड मेसी एंड ग्रीजमैन ऐसा कैम, और तीनों के बीच में जो है वो पोजिशनल चेंज वाला प्ले, जिसको जहां लग रहा है वो जा करके खेले फ्री रोल भैया, लेकिन हाँ आपस में उलझना नहीं है, साथ में नहीं तो लफड़े हो जाते हैं। एनीवेज भाई साहब आज की वीडियो के लिए इतना ही, दिस इज एसोसिएशनिंग और बाबा टेक केयर पीस। भाई साहब बहुत बेहतरीन ट्रांसफर विंडो जहां जॉन लापोर्ट के द्वारा, मजा आ गया है ना, एक अब सेंट्रल डिफेंडर की भी बारी है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी तुमको लापोर्ट देखने को मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है गिंटर की भी जहाँ बात चल रही है, तो देखो कौन आता है, जो भी आएगा उसके बारे में वीडियो तो अपन जरूर बनाएंगे, ठीक है, चलो बाय।